विजय मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, एन इक्वल्स वन स्क्वेयर प्लस 999 टू द पावर 4 प्लस 100 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय वन स्क्वेयर प्लस 999 स्क्वेयर प्लस 100 क्यूब है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमें एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। यहाँ पर देखो, ये 100 टू द पावर ऑफ 6 और 100 टू द पावर ऑफ 3, पहले सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 100 टू द पावर ऑफ 6, जिस 100 टू द पावर ऑफ 6 को मैं 110 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 6 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं। तो इसे हम 10 टू द पावर ऑफ दोनों का पावर अगर मल्टीप्लाई किया तो 12 बनते हैं, राइट। तो इस 12 को मैं 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4 करूँगा और इसे 10 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 4 भी करूँगा। तो इसका मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 1000 टू द पावर ऑफ 4 बनेगा, यानी 100 टू द पावर ऑफ 6 के जगह में 1000 टू द पावर ऑफ 4 आ गया, राइट। ठीक इसी तरह 100 टू द पावर ऑफ 3 ये क्या होता है देखेंगे। 100 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 3, राइट। तो इसका मतलब 10 टू द पावर ऑफ 6 बनते हैं। तो इसका मतलब 10 टू द पावर ऑफ 6 को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 2, 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 मीन्स 6 ही बनते हैं। यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2 हम कर सकते हैं। 10 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स यहाँ पर भी 1000 बनते हैं, या लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर बनते हैं। 100 टू द पावर ऑफ 6 के जगह में 10 टू द पावर ऑफ 4 पुट करेंगे, 100 टू द पावर ऑफ 3 के जगह में 1000 टू द पावर ऑफ 2 पुट करेंगे, तब ये बनेगा n इज इक्वल टू वन स्क्वेयर मीन्स 1 ही रहेगा, तो प्लस ये 999 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 100 टू द पावर ऑफ 6 मीन्स 1000 टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि हम यहाँ पर पावर सेम कर लिया हम दोनों का, डिवाइडेड बाय वन स्क्वेयर मीन्स 1 ही होता है प्लस 999 होल स्क्वेयर एज यूजुअल, प्लस 100 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 1000 टू द पावर ऑफ 2 होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लेट करेंगे, यस 999 इज इक्वल टू सपोज एक्स, 999 जगह में अगर एक्स पुट किया तो 1000 में क्या आते हैं, तो 1000 इक्वल्स क्या आते हैं, 1000 इज इक्वल टू 999 प्लस 1 आते हैं, राइट। तो 999 तो एक्स है, तो एक्स कर दो, एक्स प्लस 1, तो 1000 की जगह में हम एक्स प्लस 1 पुट कर सकते हैं। तो 999 की जगह में एक्स पुट करेंगे, 1000 की जगह में एक्स प्लस 1 पुट करेंगे, तब ये n इक्वल्स क्या आता है, n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि 999 मीन्स एक्स है, तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1000 है, 1000 की जगह में एक्स प्लस 1 करेंगे, तो एक्स प्लस 1 अगर पुट किया तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर 999 होल स्क्वेयर है, 999 मीन्स एक्स है, तो ये एक्स स्क्वेयर बनते हैं, प्लस यहाँ पर 1000 होल स्क्वेयर में, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर हो जाता है, राइट। एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो दोनों दिए हैं। एक्स प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है हमें निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ पावर है, यहाँ पर हम पास्कल ट्रायंगल यूज करेंगे, एक्स प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू, अगर पास्कल ट्रायंगल यहाँ पर यूज किया तो कोएफिशिएंट आता है 14641, ठीक है। तब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तभी ये 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1 ही है, 1 ही सेम है जाएगा, का वैल्यू 1 हो जाएगा, और रख लो वाई टू द पावर ऑफ 0, सॉरी वाई टू द वाई मीन्स यहाँ पर 1 है, तो 1 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 एक्स टू द पावर ऑफ 3 वाई टू द वाई टू वाई का मीनिंग 1 है, तो 1 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 1 बनते, ठीक है। तो प्लस 6 एक्स टू द पावर ऑफ 2 1 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई है, प्लस 4 एक्स टू द पावर ऑफ 1 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 एक्स टू द पावर ऑफ 0 1 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 1 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स
इसका वैल्यू एनी नंबर रेस्ट टू जीरो मीन्स वन ही होते और यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ जीरो मीन्स यहाँ पर भी वन होते। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया था, सिंप्लीफिकेशन किया, वन इंटू वन मीन्स वन ही, तो इसके साथ एक्स टू द पावर ऑफ फोर को मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टू द पावर ऑफ फोर बनेगा। तो ये बनते फोर टाइम्स एक्स क्यूब इंटू वन मीन्स वन लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वेयर इंटू वन मीन्स वन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो सेम ही रहते, प्लस यहाँ पर फोर टाइम्स एक्स रहेगा, यहाँ पर वन ही रहेगा, वन टू द पावर ऑफ फोर मीन्स वन ही रहेगा। तो ये जो आया एक्स प्लस वन टू द पावर ऑफ फोर का वैल्यू एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन यहाँ पर पुट करेंगे हम एक्स टू द पावर ऑफ वन प्लस फोर का वैल्यू में, राइट। एन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस ये सब इसमें पुट कर दो, तो एक्स टू द पावर ऑफ फोर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन ऑल ओवर यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन वन स्क्वेयर वन वन स्क्वेयर मीन्स वन ही होता है प्लस टू एक्स रहता है। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो एन का वैल्यू क्या मिलता है यहाँ पर हमें, एन इक्वल्स वन इंटू वन, वन प्लस वन मीन्स यहाँ पर टू बनते, राइट। तो ये पर एक्स फोर टू द पावर ऑफ फोर मीन्स टू एक्स टू द पावर ऑफ फोर बनेगा और फोर एक्स क्यूब एज यूजुअल प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई वन प्लस वन मीन्स यहाँ पर भी टू आते एक्स स्क्वायर यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर आते प्लस यहाँ पर टू एक्स है, राइट। तो ऊपर सब में टू है, इसमें भी सब में टू है, तो दोनों में टू हम कॉमन ले लेंगे। तो टू अगर ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन लिया तो सबसे पहले ये ले लेंगे, तो एक्स फोर प्लस ये टू एक्स क्यूब लेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस टू एक्स लेंगे, लास्ट में ये वन लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी टू एक्स स्क्वायर पहले है तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, तो ये टू तो बाहर ले लिया प्लस यहाँ पर एक्स ले लेंगे प्लस यहाँ पर वन रहेगा, ए टू और ए टू निकल जाएगा। तो एन इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ फोर को एक्स टू द पावर ऑफ टू होल स्क्वायर करेंगे प्लस टू एक्स क्यूब को टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, राइट। यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर है, इसे मैं टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बनते हैं, यहाँ पर टू एक्स प्लस वन सेम, राइट। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन या चीज, सबसे पहले यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लेके लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर लिख लेंगे ए प्लस वन लिख लेंगे, तो एन का वैल्यू में एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ टू होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस ये वन है लास्ट का वन स्क्वायर लेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझ लो, बी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू एक्स समझ लो, तो सी इज इक्वल टू वन समझ लो, तभी ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा हो जाता बनना है हमें। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया, तो अभी ये हो गया ये हो गया ये हो गया प्लस यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस टू एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन या चीज। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के जैसा, ये भाग में निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी प्लस टू टाइम्स बी इंटू सी प्लस टू टाइम्स ए इंटू सी, ये ऐसे फॉर्म में बन गई है ऊपर का। तो ये यहाँ पर ये इज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये इज एक्स स्क्वायर प्लस बी इज एक्स प्लस सी इज वन, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये ऊपर का है। देखो क्या शर्त है, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए, ये इज एक्स स्क्वायर टू टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू बी इज एक्स, राइट, प्लस
2 times b into c. 2 times b is x or c is 1, right? So next 2 times a into c. 2 times a is x square, c is 1. तो ये सेम परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का हो गया. तो इसका मतलब इसका आंसर में n इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. यहाँ पर ये दोनों कट हो गया तो इक्वल्स यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. यानी n का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. तो एक्स का वैल्यू हम 999 लेट किया है तो वो पुट करेंगे तो n इक्वल्स यहाँ पर इन दोनों में सबसे पहले x कॉमन लेंगे तो x प्लस वन रिमेनिंग रहेगा प्लस वन. तो x का वैल्यू n का x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 999 टाइम्स 999 प्लस वन प्लस ऑफ वन n का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 999 मल्टीप्लाइड विथ 999 प्लस वन मीन्स 1000 बनते हैं प्लस ऑफ ए वन एज इज वन. तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 999000 प्लस वन. मतलब n का वैल्यू क्या मिल रहा है, 999001. ये हमारा फाइनल आंसर है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.